Hey guys, आज मैं एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रही हूँ. ये मेडिकल कॉन्फ्रेंस मुंबई की फेमस गवर्नमेंट चाइल्ड हॉस्पिटल वाडिया हॉस्पिटल में है. आज के वीलॉग में मैं आपको वाडिया हॉस्पिटल का एक टूर कराऊंगी और मेडिकल कॉन्फ्रेंस के कुछ हाइलाइट्स बताऊंगी. तो इस वीलॉग को एंड तक देखना मत भूलिए. तो अब मैं दादर पहुंच गई हूँ, वाडिया हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ. जैसे आप सभी देख रहे हो तो ये बाहर से इतना ग्रैंड और इतना ब्यूटीफुल दिखता है, बहुत सारी ग्रीनरी है. तो चलिए अब हम वाडिया हॉस्पिटल में अंदर एंटर करते हैं. ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ये पुराने ब्रिटिशर्स के टाइम के बिल्डिंग की तरह दिखता है. बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है और उसको अच्छी तरह से मेंटेन भी किया है. ये गेट नंबर 4 से एंटर करना है तो यहाँ पर सिक्योरिटी है. तो चलिए हम फटाफट, ये आप देख रहे हो यहाँ पे एक छोटा सा टेम्पल है, एक गणपति बाप्पा का एक छोटा मंदिर है. ये राइट हैंड साइड में वार्ड्स है जहाँ पर पेशेंट की लंबी कतार है. हालांकि संडे था लेकिन फिर भी बहुत सारी भीड़ थी. ये जो आप देख रहे हो ये पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स हैं जो बाहर बैठे हैं. तो ये मेरा कॉन्फ्रेंस है. मेरा जो कॉन्फ्रेंस है वो लाइब्रेरी रूम सेमिनार रूम नंबर 1 में है जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है. तो ये लाइब्रेरी रूम में हम चलते हैं. थोड़ी सी पुरानी बिल्डिंग है लेकिन वो पॉसिबल है क्योंकि ये जो वाडिया हॉस्पिटल है ये मोर देन 90 इयर्स ओल्ड बिल्डिंग है. तो ये देखिए ये लाइब्रेरी है, ये वन ऑफ द लाइब्रेरीज है. वैसे वाडिया हॉस्पिटल में काफ़ी सारे लाइब्रेरीज है, ये वन ऑफ दोज लाइब्रेरीज है जिसमें एक छोटा सा सेमिनार हॉल है जहाँ पे इस तरह के मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट होते हैं. तो चलिए अब हम मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं. मेरी एक बुरी आदत है कि मैं सब जगह बहुत जल्दी पहुंच जाती हूं, तो सेम उसी तरह इस कॉन्फ्रेंस में भी मैं जल्दी पहुंच गई थी. तो ये मेडिकल कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन हो रहा है. डॉक्टर अर्माइडा फर्नांडिस जो एक पीडियाट्रिक न्योनेटोलॉजिस्ट है और मेडिकल डायरेक्टर है होली फैमिली हॉस्पिटल बांद्रा के और रिटायर्ड डीन है लोकमान्य तिलक म्यूनसिपल हॉस्पिटल मुंबई के. डॉक्टर बकुल पारेक जो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के नेशनल प्रेसिडेंट है वो एक टॉक दे रहे हैं. डॉक्टर गायत्री पलट जो MNJ इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी हैदराबाद से है. डॉक्टर वेरोनिक एक प्रोमिनेंट पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट है. डॉक्टर स्मृति खन्ना. ये जो सभी डॉक्टर्स हैं ये सब ऑल ओवर इंडिया से आए थे और सभी डॉक्टर्स मन लगा के इन सब के टॉक्स अच्छी तरह से मन लगा के सुन रहे हैं. ये सभी जो है वो पीडियाट्रिशियंस हैं जो ऑल ओवर इंडिया से आए हैं. डॉक्टर महेश मेनन जो कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल से है मुंबई से. डॉक्टर मैरियर जो टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल मुंबई से है. डॉक्टर स्पंदना जो हैदराबाद से है. डॉक्टर रुचि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ न्योनेटोलॉजी KEM हॉस्पिटल मुंबई से है. तो चलिए अब लेक्चर्स ख़त्म हुए हैं तो हम वार्ड की तरफ चलते हैं. मैं थोड़ा सा आपको वार्ड का थोड़ा सा फटाफट टूर करा लेती हूँ. एक्चुअली ये जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पर जो एडमिन स्टाफ है वो सब एडमिन ऑफिसेस है, इसके साथ साथ कंसल्टिंग रूम्स है और बहुत सारे ऐसे स्पेशल कंसल्टिंग रूम्स भी है जैसे कि आप आगे के वीलॉग में देखोगे. वार्ड्स जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे है लेकिन आज संडे था तो इसलिए मैंने सोचा कि हम बच्चों को थोड़ी सी प्राइवेसी देते हैं तो इसलिए मैं आपको बच्चे नहीं दिखाने वाली हूँ. ये पीडियाट्रिक पैलिएटिव केयर यूनिट है. ये देखिए ये अंदर से इस तरह से दिखता है. Stretcher.
एकदम चाइल्ड फ्रेंडली केयर यूनिट है। यहाँ पर खूबसूरत से पेंटिंग्स किए हैं ताकि बच्चों को अच्छा लगे, ज़्यादा डर ना लगे। ये वाडिया हॉस्पिटल का मेन एंट्रेंस है, जो कि आज संडे था इसलिए आज बंद रखा था। बाहर एम्बुलेंस खड़ी है। यहाँ से एक पुरानी इस तरह से लिफ्ट है, एक्चुअली पुरानी है लेकिन बहुत ही फंक्शनल है। यहाँ से जाना होता है फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ से वार्ड स्टार्ट होते हैं, लेकिन संडे के दिन जनरली विजिटर्स को अलाउ नहीं करते। और वैसे भी मुझे इससे लगता है कि बच्चे जब हंसते खेलते हो तभी देखना अच्छा लगता है। बीमार बच्चों को एक्चुअली उनको थोड़ी सी प्राइवेसी देनी चाहिए और उनको पूरा स्पेस देना चाहिए। इस तरह से बीमार बच्चों के वीडियो उतारना मुझे पसंद नहीं है। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने बीमार बच्चों के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ नहीं निकाले। मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही बाहर से टूर दे देती हूँ वाडिया हॉस्पिटल का। अगर आपको उन बच्चों को मिलना है तो आप कभी भी मुंबई आ सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। आप आइए, आप मुझसे मिलिए, मैं आपको उन बच्चों से मिलवाऊंगी। आप उन बच्चों को देख सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो। ये देखिए, इसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो इतना बड़ा है। ये हॉस्पिटल बहुत 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 बड़ा है और इतना ब्यूटीफुल है, इतना अच्छी तरह से मेंटेन किया है। आपको सरप्राइज़ होगा कि ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। चलिए अब मैं थोड़ा अभी निकलती हूँ क्योंकि अभी मुझे लेट हो रहा है, क्योंकि मेरा इवनिंग का ओपीडी भी है, संडे को भी मैं ओपीडी रखती हूँ। चलिए, ये जो गेट से हम आए थे उसी से बाहर जाते हैं। तो फटाफट मैं आपको बाहर से कैसे बिल्डिंग दिखता है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि इतना सुंदर लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि हम कोई करण जौहर के मूवी का कोई सेट देख रहे हैं। इतने अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि कुछ मतलब कोई ऐसे फॉरेन लोकेशन है। इतने खूबसूरत बिल्डिंग है और क्लीनलीनेस बहुत अच्छा रखा है यहाँ पे, इतना साफ़ सुथरा है। वाडिया हॉस्पिटल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं जब MBBS कर रही थी तो मेरे प्रैक्टिकल्स हुआ करते थे वाडिया हॉस्पिटल में, इसलिए मुझे वाडिया हॉस्पिटल से कुछ खास लगाव है। ये वाडिया हॉस्पिटल का मोबाइल एम्बुलेंस यूनिट है। अगर आप कोई भी बॉम्बे आना चाहो और वाडिया हॉस्पिटल देखना चाहो या वाडिया हॉस्पिटल का टूर करना चाहो तो यू आर मोस्ट वेलकम। आपको मैं लेके जाऊंगी, आप मेरे साथ आ सकते हो। ये हम वापस जो एंट्रेंस था वहां पर आ गए हैं। अब मैंने ऑलरेडी मैं हॉस्पिटल के बाहर आ गई हूँ, तो हॉस्पिटल के बाहर से मैं थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखाती हूँ। रियली आई एम सॉरी, मैं आपको बार बार ये दिखा रही हूँ लेकिन आई एम सो ऑब्सेस्ड विद दिस। इतना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है और इतना फैंटास्टिक है ना, मुझे ऐसे लगता है कि आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ मुंबई, टू बी अ मुंबईकर। सच में यही सब चीज़ें हैं जो एक सिटीज़न को प्राउड करती है कि प्राउड टू बी अ मुंबईकर। इसीलिए मुझे मुंबई बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो एग्जैक्टली वाडिया हॉस्पिटल के ऑपोजिट आप देख सकते हो, ये देखिए KEM हॉस्पिटल है। ये KEM हॉस्पिटल भी बहुत ही फेमस और वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड माना जाता है। यस फ्रेंड, इन द वर्ल्ड माना जाता है। KEM हॉस्पिटल है और इसका जो मेडिकल कॉलेज है इसका नाम है GS मेडिकल कॉलेज। तो ये बराबर वाडिया हॉस्पिटल के एग्जैक्टली ऑपोजिट है। KEM हॉस्पिटल में भी मेरे काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तो जब मेरा नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होगा KEM हॉस्पिटल में तो ज़रूर मैं उसका वीलॉग बनाऊंगी और चैनल पे पोस्ट करूंगी। जिस तरह से वाडिया हॉस्पिटल में बच्चों की केयर करते हैं वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, मैं अभी दादर स्टेशन आ गई हूँ। दादर स्टेशन से मैं ट्रेन लेने वाली हूँ घर जाने के लिए।
तो ये सब दादर स्टेशन के बाहर का नज़ारा है। आई होप आपको ये वीलॉग पसंद आया हो। आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार है, आपके कमेंट्स में ज़रूर जानना चाहूँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर लिखिए। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ऑसम। बाय, टेक केयर।